बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कौसर्स किचन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल्स, और चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कप के बराबर मैंने बंद गोभी, और इसको इस तरह लंबा लंबा चॉप कर लिया हमने। उसके साथ ये ले लिया है मैंने अनियन, जो स्प्रिंग अनियन है वो ले लिया है थोड़ा सा, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये चिकन, और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और 1 कप ले ली है स्पैगेटीज, इनको भी मैंने बॉईल करके इनको ठंडे पानी से गुजार के इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। उसके अलावा मैंने ये रोल पट्टी ले ली है, ये मैंने रेडीमेड ली है। अगर आपको, आप चाहते हैं कि आपको मैं सिखाऊं अपने चैनल पे बनाना, तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, या आप मुझे चैनल में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको अगर चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। उसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई ताज़ा काली मिर्च ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, ये है वाइट विनीगर 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस जो है ये ली है मैंने, ये भी 1 टीस्पून है, और सोया सॉस 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है एक पैन में, उसके अंदर मैं ये लहसुन जो मैंने स्लाइस किया हुआ है इसको डालती हूँ। इसको हल्का सा सौते करते हैं, और इसकी ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। बस ये हो गया, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आए, वाइट वाइट सा ज़रा अच्छा नहीं लगता। इसके साथ ही इसमें मैं कैबेज और ये जो अनियन है ये डाल दिया है मैंने, इसको बस हल्का सा सौते करेंगे, तेज आंच के ऊपर ही करना है आपने ये सारा। और साथ ही मैं इसमें स्पैगेटीज जो हैं इनको भी ऐड कर देती हूँ, बस इनको मैं मिक्स करके बस इसको मैं मिक्स करके ठंडा कर देती हूँ। अब हम इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, काली मिर्च, नमक, और ये सिरका और सॉसेस जो हैं ये हम सारे डाल देते हैं। बस अब ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं बताती हूँ कि फिलिंग कैसे करनी है। ये इस पे मैंने जो मैदा है वो पहले ही लगा दिया, ये हम इस तरह रखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ कि इसको कैसे, एक और तरीके से कैसे रोल करते हैं। ये हमने इसके चारों कोनों पे लगा दिया अच्छे से, और यहाँ पे हम रखेंगे फिलिंग। फिलिंग को ज़रा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रोल करेंगे, और इसके ये कॉर्नर्स जो है ना इनको ऐसे प्रेस कर देंगे, अच्छे से इनको प्रेस करना है, क्योंकि हमने अच्छे से वो जो मैदे का और उसका पेस्ट बनाया था ना उससे ये सील हो जाते। इस तरह भी आप इनको कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीक़ों से आप इसको बनाना सिखा दिया आपको, कुछ मैं इस तरह बनाऊंगी कुछ उस तरह रोल कर। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और रोल्स हमारे हो गए सारे तैयार। अब हम इनको डाल के तो फ्राई कर लेते हैं। इनको हम मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे, ठीक है, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब फिर हम इनको निकाल लेंगे।
आलू हमारे अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर बाकी भी इसी तरह मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, हमारे रोल तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार। ये देखिए, मैंने इनको अंदर से कट करके भी आपको दिखाया है, और आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह फुल भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।